देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर हैं। कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और वहीं लोगों के बीच एक सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें फिर से कोरोना की वैक्सीन लेनी पड़ेगी, क्या चौथी लहर भी आएगी। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता नीतु झा ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एसपी व्योत्रा से बातचीत की। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आने की आशंका जताई जा रही है, क्या चौथी लहर आ सकती है? एब्सोल्युटली बिल्कुल आ सकती है, कोई क्योंकि ये वायरसेस हैं, वायरस जो है अपनी ये सेल से भी आधा सेल होता है, एक सेल होता है जो नॉर्मली वो एक जैसे बैक्टीरिया वन सेल होता है, उसमें डीएनए भी होता है आरएनए भी होता है, लेकिन ये वायरसेस ओनली आइदर डीएनए और आरएनए और अपनी एंटीजेनेसिटी अपनी जो पूरे शक्ल प्रॉपर्टी सबको बदल सकते हैं, दे कीप चेंजिंग। दैट्स व्हाई हम आज तक एचआईवी की वैक्सीन नहीं बना सके, इसलिए क्योंकि वायरस हर बार चेंज, हम एक वैक्सीन बनाएंगे तो वायरस को दूसरी बार किसी और फॉर्म में आ जाएगा, ये कीप चेंजिंग, ये आता रहेगा, मोस्ट लाइकली इट विल नेवर गो। जैसे इन्फ्लुएंजा कभी नहीं गया इतने सालों से, कई साल हो गया है, इसी प्रकार हमारा ये कोविड-19 कहने वाले जो सो कॉल्ड कोविड-19 ये जाने का कोरोना वायरस खत्म होने का ऐसा नहीं होगा, किसी न किसी फॉर्म में आता रहेगा। सर, साल 2020 से कोरोना भारत आया, भारत को कोरोना ने अपनी जद में लिया, उसके बाद वैक्सीन की पहली डोज लगी, दूसरी लगी, उसके बाद बूस्टर डोज भी लगने लगा, तो क्या अगर वेरिएंट बदलते रहे तो हमें चौथी डोज भी लेनी पड़ेगी? वेल आई एम श्योर, ये मैं हमेशा, मैं तो इस साल भी सभी को, मैंने तो इस साल भी ली हुई है, एंड आई एम रियली आई एम वन ऑफ दोज हु विल से कि बिल्कुल लेना चाहिए। हम भारतवर्ष के लोग, सारी दुनिया ने, हम 20s में जब हम बाहर दुनिया में जाते थे तो पीपल हैड पोस्टुलेटेड एंटिसिपेटेड कि इंडिया की तो हालत खस्ता हो जाएगी, इंडिया में तो डेथ्स के अंबार लग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमने वैक्सीन करा दी, वैक्सीन ऑलमोस्ट फ्री दी सारे वर्ल्ड, अपने ही नहीं दुनिया के 90 कंट्रीज को भी हमने दी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मान लीजिए अगर कोई चौथी डोज की वैक्सीन लेता है तो ये वैक्सीन किन लोगों को लेनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या सामान्य जैसे आपने और वैक्सीन ली है वैसे ही आप चौथी डोज भी लें? वेल आई माई फीलिंग इज स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन, तो उनको तो इमीडिएट लेना चाहिए, जैसे लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो पेशेंट जो 65 इयर्स के ऊपर होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाए, एक्सट्रीम ऑफ एजेस आई विल कॉल, उनकी इम्यूनिटी कम, पीपल जो डायबिटीज हैं, हार्ट फेलियर लोग हैं, जो किडनी फेलियर पे हैं, एचआईवी पॉजिटिव हैं, इन सबको क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है, तो इन लोगों को तो नॉर्मली ही लेना चाहिए, एंड बाकी आई एम श्योर अदरवाइज भी एक बार अब जो फैलना है तो आई विल एक्चुअली सुजेस्ट कि बूस्टर डोज का जो भी ले लेना चाहिए, अभी जनवरी में ड्यू थी सभी की, बहुत कम लोगों ने ली है, आई मेरे पर्सनली कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही लोगों से कहता हूं कि प्लीज गेट इट डन। कोरोना के मामले जरूर बढ़े हैं लेकिन राहत की बात यह है कि अभी फिलहाल पानी की स्थिति नहीं है, तो ऐसे में क्या है अस्पतालों की तैयारी, देखिए मेरे सहयोगी सत्यजीत कुमार की रांची के रिम्स अस्पताल से ये रिपोर्ट। इस वक्त राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हम हैं और ये देखिए आईसीयू यूनिट है जहां पे कोविड पेशेंट को रखे जाने की तैयारी है, और इस वक्त हमारे साथ रिम्स के क्रिटिकल केयर के हेड और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर के ऑल इंडिया हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर यहाँ क्या क्या फैसिलिटी अगर हम लोग यहाँ दिखाएं? हाँ, यहाँ पे देखिए एक आईसीयू बेड में जो एक बेसिक फैसिलिटीज जितने चाहिए होते हैं वो सब है, ये जैसे बेड ही है, ये फाउलर बेड है, हाई एंड फाउलर बेड है, ये जो हमारा मॉनिटर है ये 20 चैनल मॉनिटर है, इसमें ऑलमोस्ट सारे तरह के जो हम चाहते हैं मरीज को मॉनिटर करना वो हो जाता है, बगल में एक बेला विस्टा का हाई एंड वेंटिलेटर है जिसके थ्रू हम मरीज को किसी भी प्रकार के वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकते हम दे सकते हैं, पीछे ऑक्सीजन सप्लाई सक्शन पोर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सब चीज है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो टीम है ये पिछले कोविड के समय में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए थे और ये सारे ट्रेंड है कि कोविड के मरीजों को कैसे संभालना है, तो इसलिए हमें इस बात की निश्चिंता है कि हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से कभी भी अगर इस तरह का सिचुएशन का सामना करना पड़े तो दे आर ऑल गियर्ड अप कि हम किसी भी तरह का सिचुएशन को संभाल सकते।